हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ घिया, आधी कटोरी बेसन, आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब हम हाथ से सारे मसाले बेसन में अच्छी तरह मिला लेंगे, घिया भी। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि घिया में ऑलरेडी इतना पानी होता है। इस तरीके से हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से हमने मसाला मिक्स कर लिया है और अब हम इसके गोल गोल छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। तल के अब हम घिया के कोफ्ते तलेंगे। ऐसे एक साइज़ के छोटे छोटे आप कोफ्ते अपने ज़रूरत के हिसाब से तल लेंगे। लाइट ब्राउन करने, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इस तरीके से हम इनको लाइट ब्राउन होने पे निकालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे जो पड़ा हुआ बेसन उसके भी छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। ब्राउन होने पे हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते तलते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही आपने तलना है ताकि ज़्यादा जल ना जाए। इस तरीके से हमने सारे कोफ्ते तल लिए। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस जला के कढ़ाई में एक सर्विंग स्पून घी, कम या ज़्यादा भी हो सकता है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर जितना प्याज आप चाहते हैं उस हिसाब से आप घी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्विंग स्पून घी लिया है और इसमें मैंने मीडियम साइज़ के प्याज की पेस्ट जो बनाई है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। प्याज को हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हल्दी, छोटा टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पे। मिर्ची ज़रूरत के हिसाब से, मैंने यहाँ एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला लिया है। और अच्छे से हम इसको हिलाएंगे जब तक हल्दी का रंग निकल आए। दो मिनट हिलाने के बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो प्यूरी बनाई है। इसमें मैंने चार मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक पीस लिया। और इसमें हम डालेंगे अब टमाटर की पेस्ट। गैस को हम अब तेज़ कर देंगे और टमाटर गलने तक हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक या डेढ़ चम्मच कसूरी मेथी, जब तक टमाटर का रस पूरी तरह निकलना है तब तक हम इसको करीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं और एक चम्मच दही भी डाल सकते हैं।
नहीं तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तब भी बहुत ही स्वाद बनेंगे और इसका खाने में अलग ही टेस्ट आएगा आपका। मेथी जो है ये कोफ्ते के फ्लेवर को और बढ़ा देती है। पाँच मिनट तक हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अब देखिए घी हमारा ऊपर से दिख रहा है तो इसका मतलब है हमारे टमाटर की पेस्ट है जो अच्छी तरह से गल चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी के बीच में ही मैंने दो मिर्च हरी जो है ग्राइंड कर ली थी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा टमाटर की प्यूरी और अच्छा सा रंग दे दे। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के करीबन दो चम्मच पानी डाला है मैंने इसमें और पकाएंगे इसको थोड़ी देर। ऐसा करने से टमाटर अपना रंग भी अच्छी तरह से छोड़ेगा और उसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा। देखिए आपको घी ऊपर नज़र आ जाएगा जैसे हम तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो भुन गया है टमाटर और प्याज अच्छी तरह से इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा। घी छोड़ देगा ये टमाटर। अब हम इसमें डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। इस तरीके से हम इसे करीबन 5 या 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तरीके से देखिए हमारा जो कोफ्ते की तरी है अब अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार। नमक मैंने बाद में इसलिए डाला है ताकि जितनी प्यूरी है उसी हिसाब से हम नमक डाल पाएं। पानी डालने के बाद या उसकी तरी बनाने के बाद ही हमने नमक डाला है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितना नमक हमें डालना चाहिए। अब हम अच्छे से इसको पकाएंगे। करीबन 5 मिनट और ये पानी पकेगा उसके बाद फिर हम लास्ट में कोफ्ते डालेंगे। हमारी जो कोफ्ते की प्यूरी है वो गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे इस तरीके से। कोफ्ते डाल के उसके बाद हम 3 या 4 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उबलने के बाद हम गैस कम कर देंगे और सेम गैस पे 5 या 7 मिनट इसको पकाएंगे ताकि जो रस है हमारी प्योरी का वो अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। हमारी तरी अब गल चुकी है और अब हम कोफ्ते को प्रेस करके देखेंगे कि गल चुके हैं कि नहीं। देखिए ऐसे ये देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल रेडी है बनके और हमारी तरी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे, गैस बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छा रंग आया है इसका, आप इसे ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे घिया के कोफ्ते, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।